अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाइन क्लास जितने भी बच्चे हैं पंजाब बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से, उनके लिए बड़ी अपडेट आई है रिजल्ट के हवाले से। बहुत बड़ी अपडेट जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको पता है पहले जो इलेवन क्लास का रिजल्ट आया, सारे जानते हैं कि वो रिजल्ट कैसा आया, और स्टूडेंट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान हैं। अब एक जो बड़ी खबर आई है नाइन क्लास के रिजल्ट के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको पता लग जाएगा कि क्या आपका रिजल्ट भी 11 क्लास के रिजल्ट की तरह ही आ रहा है या कुछ बेहतरी आएगी। बड़ी न्यूज आई है, ऑथेंटिक न्यूज आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करनी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है आपने ऑल पर प्रेस करनी है, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच रहे हैं। और लाइक करना आपने नहीं भूलना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब 11 क्लास का रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स को 33% यानी 33% मार्क्स भी दिए गए। उसके बावजूद भी 11 क्लास का जो रिजल्ट आया था उसमें स्टूडेंट्स को 33% मार्क्स भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट बहुत बुरा आया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि अच्छे मार्क्स लेते थे, उनके भी जो मार्क्स हैं बहुत कम लगाए गए। इलेक्टिव के अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे उनमें भी मार्क्स जो हैं वो बहुत कम लगाए गए। इस हवाले से स्टूडेंट्स जो थे वो पूछ रहे थे कि क्या अब नाइन क्लास का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ऐसा ही आएगा, क्या नाइन क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसे ही नाइंसाफ़ी जो है वो की जाएगी या मार्क्स जो हैं वो अच्छे लगाए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तस्दीक की है इस हवाले से, जो नाइन क्लास का रिजल्ट है वो बेहतर आएगा, अच्छा आएगा और स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे लगाए जाएंगे, चाहे वो फेडरल है चाहे वो पंजाब बोर्ड है। इसी वजह से जो नाइन क्लास का रिजल्ट है उसको लेट किया गया 9/11/2021 तक, यानी कि 9 तारीख तक उसको डिले किया गया, ताकि अच्छे तरीके से उसको चेक करके वेरीफाई करके ही जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाए। क्योंकि 11 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे इश्यूज बने गवर्नमेंट के लिए और सरापा एहतजाज हैं अभी तक स्टूडेंट्स। और मैंने भी कल वीडियो बनाई थी इस हवाले से, उम्मीद है आपने देखी होगी और उस जो तहरीक है आप उसका हिस्सा बनेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल एग्जाम्स में 9 क्लास और 11 क्लास पंजाब बोर्ड के हवाले से अहल नहीं है स्पेशल एग्जाम्स में बैठने की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 9 क्लास और 11 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्पेशल एग्जाम्स के लिए मौका दिया जाए, अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि जो 9 क्लास का रिजल्ट होगा वो बेहतर आएगा, अच्छा आएगा, ये एक बड़ी खुशखबरी है आप 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फेडरल से हैं चाहे वो पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड से, उन्होंने अपने एग्जाम दिए हैं, तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आपको जो मार्क्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं 5% और 33% आपको दिए जाएंगे अगर किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो। मज़ीद कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने भी वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना आपने नहीं भूलना, सब्सक्राइब भी कर लेना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने विजिट भी करते रहना, क्योंकि ऐसी अहम अपडेट्स के आने का सिलसिला जारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। अल्लाह हाफिज़।